हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परी हेल्थ एंड ब्यूटी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बरसात के मौसम में अपने पैरों को इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बरसात के मौसम में पैरों में इन्फेक्शन होना आम बात है, क्योंकि पैर हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि पानी के कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा रहता है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान उपाय जिसका इस्तेमाल करने से आप बरसात में अपने पैरों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। हमारा पहला उपाय है, जब भी हम बरसात के मौसम में बाहर से आते हैं तो हमें अपने पैरों को नमक वाले पानी से धोना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारा सामना गंदे बरसात के पानी से होता है। ऐसे में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमें अपने पैरों को नमक वाले पानी से धोना चाहिए। इसके लिए आपको गुनगुना पानी करना है और इसमें नमक मिक्स करके अपने पैरों को साफ करना है। नमक वाले पानी से पैरों को साफ करने के बाद अपने पैर को दोबारा दूसरे साफ पानी से साफ करें। इसके बाद तौलिए से पोंछ लें और अपने पैरों में मॉइस्चराइजर लगा लें। आप चाहे तो नारियल तेल में कपूर मिक्स करके भी अपने पैरों में लगा सकते हैं। हमारा दूसरा उपाय है, 1 लीटर पानी में 20 से 25 नीम की पत्तियों को उबाल लें और जब यह पानी ठंडा हो जाए तो इसे अपने पैरों को साफ करें। ऐसा करने से आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हमारा तीसरा उपाय है, नहाने के पानी में डिटॉल या सेवलॉन डाल के ही बरसात के मौसम में नहाएं। ऐसा करने से भी आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हमारा चौथा उपाय है, बरसात के मौसम में अपने पैरों को मेडिकेटेड साबुन से धोएं। मेडिकेटेड साबुन से पैर धोने से इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है, या फिर अगर आपके पैरों में इन्फेक्शन हो गया है फिर भी अगर आप मेडिकेटेड साबुन से अपने पैरों को साफ करते हैं तो यह इन्फेक्शन को भी कम करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।